क्या आपने कभी सोचा है कि सीए बनने के लिए आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? इज्जत, बिल्कुल। लेकिन एक और बहुत बड़ा मोटिवेशन है पैसा, वो पैसा जो कि आपको और बहुत कुछ दिला सकता है। और आप सभी लोग कहीं ना कहीं ये जानना चाहते होंगे कि आखिर सीए बनने के बाद कितना पैसा मिल सकता है। तो आइए आपके सारे के सारे डाउट्स को इस सेशन में दूर करते हैं। दिस इज सीए अंकित लल्हा फ्रॉम लल्हा एजुकेशन सेंटर। आई वेलकम यू टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके एक बार लाइक बटन ज़रूर से प्रेस करिएगा। ये सेशन सीए गौरव यादव का है। इसके अंदर में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आखिर एक फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज ऑन द ईयर 2022 कितनी तक की सैलरी मिल सकती है। साल 2022 के करीब इस समय कितनी सैलरी मिल रही है मिनिमम मैक्सिमम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को। तो आप सभी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स परस्यू कर रहे हैं, इसके किसी भी स्टेज में हैं या आगे जा करके परस्यू करना चाहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे सेशन को। ये एक इंटरव्यू सेशन है बाय सीए गौरव यादव, जिन्होंने रिसेंटली अपना सीए एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में टॉप किया और ऑल इंडिया रैंक से मात्र 4-5 नंबरों से ही दूर थे, लेकिन उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारी ही चीज़ें फाउंडेशंस, इंटरमीडिएट और फाइनल्स को क्वालिफाई किया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम टू बी हिज मेंटर इन हिज जर्नी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो उनके सेशन को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि सीए की आखिर सैलरी स्ट्रक्चर क्या होती है। आप लोग को पता है, गौरव आप लोग को बताएगा कि गौरव का एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेज क्या है। मेरे से कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे सर सीए बनने के बाद में कितनी सैलरी मिलेगी, तो गौरव आपने कुछ रिसर्च किया इसके बारे में? हैव यू डन एनी काइंड ऑफ रिसर्च? जैसे आप लोगों को अगर देखना हुआ ये चीज़ तो मैं आप लोगों को साइट भी बता देता हूँ। ICI का कैंपस प्लेसमेंट होता है, ठीक है, अभी इसका रिसेंटली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 10 दिन में। तो आप लोग गूगल पे डालिएगा ICI रजिस्ट्रेशन ICI कैंपस, ठीक। ICI कैंपस में आप लोगों को एक ब्रोशर आएगा 3 पेज का, उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आप लोगों को अपना गोल सेट करने में मदद करेगा। उसमें बताएगा ना कि मतलब आप जैसे आगे आपको दिख रहा है 5 साल का इन्वेस्टमेंट, तो उसके बाद रिवॉर्ड क्या मिला वो भी देखना चाहिए ना। ऐसे ही हम लोग बिना इन्वेस्ट करते जाएंगे, कुछ रिवॉर्ड नहीं दिखेगा तो इच्छा वो तो टूट ही जाएगा मनोबल। तो आप लोग पहले एक बार कैंपस का अपना वो देख लीजिए, उसको भले सेव करके वॉलपेपर भी लगा लीजिए। तो उसमें एक होता है डे प्रीमियर, डे वन, डे टू, ऐसे मतलब अलग अलग डेट्स पे इंटरव्यू होते हैं। तो इंटरव्यू डे प्रीमियर में जो होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का होता है और रैंकर्स का होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें हो जाना चाहिए मेरा। तो उसका स्टार्टिंग पैकेज अराउंड 17 लाख है, 17 लाख स्टार्टिंग है, उसके बाद और बढ़ेगा, रैंकर्स को और ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप कहीं भी मतलब आप किसी भी फील्ड में बेस्ट हो जाते हैं तो उसमें आपको रिवॉर्ड ज़्यादा ही मिलता है। जैसे IIT वालों को इतना क्यों पैसा मिलता है, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस वालों को इतना पैसा तो नहीं मिलता है। IIT वाले स्पेशलाइज्ड है ना, जहाँ आप लोग स्पेशलाइजेशन ले लेंगे वहाँ आप लोगों को अच्छा सैलरी, अच्छा रिवॉर्ड मिलना ही है। और सीए की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक सब्जेक्ट में नहीं, करीब 8 सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन देता है, 8-8 सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट, यहाँ फाइनल में 8 सब्जेक्ट, हो सकता है आगे चल के कम हो जाए थोड़े, न्यू कोर्स आने वाला है। तो सीए इज़ वेरी बिग मतलब फॉर मी। मैं तो IIT का तैयारी कर रहा था, कहाँ मैं सीए में आ गया, और सीए में भी अच्छा ही अभी तक का जर्नी रहा है। तो सीए तो मुझे बहुत कुछ दिया है, अब आगे देखते हैं क्या होता है, कैंपस में भी देख लेते हैं। गौरव, एक एवरेज प्लेसमेंट के बारे में आप बता सकते हैं क्या हमारे स्टूडेंट्स को कि एवरेज प्लेसमेंट कितना होता है सीए में IC, क्योंकि ये सब अभी फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, ये सब जानना चाहेंगे कि एवरेज प्लेसमेंट क्या होता है, ताकि अपना सपना, अपना गोल फिर वैसे ही बनेगा ना, अपना सपना मनी मनी मनी। हाँ, मनी देखो, मनी आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अगर कोई डिनाई करता है तो उसकी बात मत मानना, ये सीधे कहूँगा, क्योंकि मनी के बिना कुछ होता नहीं है। मतलब सब कुछ नहीं है पर 95% चीज़ मनी है आज के ज़माने में। और एवरेज पैकेज अगर आप लोग बिग फोर में जाते हैं, मैं आपको 2 सिनेरियो बताता हूँ। आप लोग स्टार्ट स्लो कर सकते हैं, ग्रोथ उसमें बहुत अच्छी मिलेगी, 25-26% की ग्रोथ रहती है। बिग फोर कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, 7-8 लाख स्टार्टिंग पैकेज, उसके बाद 25% का ग्रोथ। या आप लोग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, इंडस्ट्री में जैसे फाइनेंस सेक्टर और रिपोर्टिंग सेक्टर, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये सब में जाते हैं तो उसके बाद आपका पैकेज मिलता है अराउंड 12-13 लाख, और उसके बाद ग्रोथ थोड़ी कम रहती है 10-12%। तो आप लोग के पास दोनों ऑप्शन हैं। और प्रोफेशनल, हम लोग प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं, प्रैक्टिस का ऑप्शन तो हमेशा खुला ही है, उसमें तो आप लोग का इन्फिनिट ग्रोथ है जितना अपनी काबिलियत है। तो सीए में ग्रोथ तो बहुत पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो
एनॉर्मस है, मतलब इसको क्या वर्ड्स में एक्सप्रेस करें। तो गौरव, ये कह सकते हैं कि एवरेज एक सीए बनने के बाद में, अगर ये लोग अगर 4.5 साल 5 साल का अपना समय लगा रहे हैं, तो कम से कम 10 लाख रुपए आज के रेट का लेकर के जाएंगे फ्यूचर में? यस सर, आराम से। और हाईएस्ट पैकेज कितना तक जाता है गौरव? सर हाईएस्ट पैकेज तो मतलब बहुत सारे क्लासेस में मैंने सुना है लोग, अगर आप यहाँ भी डिपेंड करता है, अगर आप लोग सिर्फ इंडिया में वगैरह रहना चाहते हैं तो अराउंड 41 लाख तक तो मैंने सुना है, और यूके दुबई वगैरह ट्राई करते हैं तो वहाँ तो और ज़्यादा है, 1.5 करोड़ तक भी सुना है मैंने। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप लोग कितना ऊपर तक जा सकते हैं। वही तो बोल रहे हैं, इसमें ऊपर अपर लिमिट है ही नहीं, लोअर लिमिट लगा दिए हैं। सीए बन तो जाएंगे, लोअर लिमिट है, उससे नीचे जाना नहीं, ऊपर जितना ऊपर तक जा सकते हैं, जितना पेट्रोल रहेगा ऊपर जाओ।